मध्याह्न भोजन की खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकार पर जानलेवा हमला। सिंगरौली जिले के बैकलन कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। मध्याह्न भोजन की खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकार पर किया जानलेवा हमला। पीड़ित पत्रकार रावेंद्र सोनी ने बताया कि हाँ बोलिए, आपका घटना कैसे हुआ? मैं रावेंद्र सोनी, मेरा नाम रावेंद्र सोनी है, मैं पेशे से पत्रकार हूँ जी। और एक फरदीन नामक, फरदीन खान नाम का लड़का जो समूह चलाता है जी, और मैंने एक पोस्ट डाली जो कि किसी में व्यक्तिगत किसी को मैंने कुछ नहीं लिखा था जी। और वो मुझे दो दिन पहले से धमकी देता आ रहा है कि तुम्हें सिंगरौली में नहीं रहने दूंगा, और अब मैं पत्रकार था, मेरे हिसाब से करनी पड़ेगी, तुम्हारे जैसे पत्रकार मेरे जेल में घूमते हो, और अगर नहीं हो औकात में है तो जान से मार के कटवा के पिटवा दूंगा जी। वहीं मैंने फिर मनीष त्रिपाठी सर से, डीआई साहब से शिकायत करने के लिए मैंने सोचा कि मैं शिकायत करूँ। ऐसे में मैं जो थाने के पास पहुँचा और डीआई साहब की जानकारी ली कि है कि नहीं, तुरंत वहीं पर फरदीन खान पहुँच के मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। मैं सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ कि आप पत्रकार लिखना, क्या पत्रकार का काम लिखना नहीं है? नहीं, लिखना तो काम है पत्रकार का, ये बात नहीं है कि लिखना काम नहीं है। तो फिर क्यों, अगर मेरा सम्मान नहीं बचा तब मैं ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँगा? मैं आत्महत्या कर लूँगा, मुझे मेरा नहीं, आपको आत्महत्या नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जितने भी पत्रकार हैं, निवेदन है मेरा सबसे कि मेरा सम्मान नहीं बल्कि पत्रकार का सम्मान बचा। नहीं नहीं, आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, आपके सम्मान होगी। मैं निवेदन करता हूँ